अभिवादये अहमस्मि पंकज कुमार मिश्रः स्वागतमत्र भवतां भवतीनां च दूरदर्शन वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने पाकिस्तान बांग्लादेश प्रधानमंत्रिभ्यां अफगानिस्तान राष्ट्राध्यक्षेन समं दूरभाषेन समभाषत। तेन इमे नेतारः तद्देशवासिनश्च रमजानस्य पवित्र मासमालक्ष्य शुभाशंसिताः। स्वीय शुभ कामना संदेशे श्री मोदिना शांति सौहार्दमभिकांक्षितं। पाकिस्तान प्रधानमंत्रिणा सह मंत्रणा प्रसंगे सह देशद्वय मध्ये शांति मैत्री सहयोग विषयकं शुभ संदेशं पुनरुदीरितवान्। अवसरेस्मिन् तेन निगृहीत पाकिस्तानीय धीवराणां विमुक्ति विषयकः स्वीय निर्णयोपि नवाज शरीफाय विज्ञापितः। कैलास मानसरोवर यात्रार्थं भाविक जनाः गतदिने नाथुला अधित्यका मार्गेण प्रस्थिताः। मार्गोयं न केवलं अल्पांतरालात्मकः अपितु मार्गेस्मिन् श्रद्धालवः नाना सौविध्यान्यपि अधिगमिष्यन्ति। चीनेन सह मतेरनन्तरं नूतनोयं मार्गः समुपलब्धोस्ति। प्रथम योग दिवस समायोजनात् प्राक् अशेष विश्वे योग प्रशंसकानां संख्या प्रवर्धते तराम्। क्रमेस्मिन् संप्रति संयुक्त राष्ट्र महासचिवः बान की मूनः योगमंगीकृत्य तद्विषयकान् स्वीयानुभवान् लोकेभ्यः ख्यापितवान्। अत्रांतरे जूनमासीये एकविंशे दिवसे राजपथे सम्पत्स्यमानं भव्यं योग दिवस समायोजनमधिकृत्य पूर्वोपकल्पनानि वेगमापद्यन्ते। डीडी किसान चैनल इत्येषा दूरदर्शनस्य कृषकोपयोगी दृश्य प्रसारण वाहिनी कृषकेभ्यः कृषि पशुपालन विषयक नवनवीन ज्ञान प्रदानाय अनारतं प्रयतते। पशुपालन विषये आधुनिक तंत्र जातं, दुग्ध व्यवसाय संदर्भे अभिनवोपायांश्च ख्यापयितुं अनया वाहिन्या राष्ट्रीय गव्यशाला विकास मंडलेन सह सामंजस्य संधिरेको व्यवस्थापितः। साम्प्रतं च प्रस्तुयन्ते काश्चन द्रुत वार्ताः। बालिकानां शिक्षायै तासांच साधिकारिता विषयकस्य गर्ल राइजिंग इंडिया इत्यभियानस्य प्रतिनिधयः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सममिलन्। अस्य अभियानस्य भारतीय सदिच्छा दूतभूता फ्रीडा पिंटो, अभियानस्य च जागतिक कार्यक्रमस्य उपाध्यक्षा समान्था राइटः प्रतिनिधिषु अन्यतरे आस्ताम्। जम्मू कश्मीरे जलपूर पुनर्वास पुनर्निर्माण कार्यार्थं केन्द्रेण 50 अर्बुदरूप्यकमिदं साहाय्य सम्पुटम् उपपादितम्। जम्मू कश्मीरे सुरक्षा स्थितिः दृढतामापन्ना विकासानुरूपा चास्ति इति केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहः व्यज्ञापयत्। ललित मोदिनः प्रव्रजन पत्र प्रकरण सन्दर्भे वित्तमन्त्री अरुण जेटली व्यज्ञापयत् यत् सुषमा स्वराजः विशुद्ध भावेन व्यवहरत्, तां चाभिलक्ष्य आरोपिताक्षेपाः निराधाराः, प्रकरणेस्मिन् प्रशासनं दलं च ऐक्यान्विते वर्तेते। बिहारे विधानसभा निर्वाचनार्थं बहुकाले विद्यमानेऽपि राजनीतिक दलानि स्वीय पूर्वोपकल्पनरतानि। क्रमेस्मिन् पटनां सम्प्राप्तः भाजपा निर्वाचन प्रभारी अनंत कुमारः प्रावोचत् यत् बिहारे दलं सुशासन विकासयोः घोषवाक्यमंगीकृत्य निर्वाचनेषु स्पर्धिष्यते। अपरतः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे बिहारे निर्वाचन स्पर्धा विषयकं भाजपोद्घोषमालक्ष्य संयुक्त जनता दल अध्यक्षः शरद यादवः टीकितवान् यत् भाजपा दले नान्यः कश्चिदपि नेता, अत एव इदं नरेन्द्र मोदिनो नेतृत्वे निर्वाचनेषु प्रतिस्पर्धते। प्रणय प्रतीकभूते ताजमहल स्मारके सम्प्रति पर्यटकाः निःशुल्कं वाईफाई इति अन्तर्जाल सम्पर्क सौविध्यम् अधिगमिष्यन्ति। डिजिटल इंडिया इति कार्यक्रमाधीनं दूरसंचार मन्त्रिणा समारब्धायाम् अस्यां सेवायां पर्यटकैः 30 कलावधये ताजमहल परिसरे सौविध्यमिदं अधिगमिष्यते। शाहजहांपुरे तथोक्तरीत्या दाहपूर्वकं निहत पत्रकारस्य जगेन्द्र सिंहस्य कुटुम्बीयानाम् अनशनं प्रवर्तते तराम्। भारतीय प्रसार माध्यम परिषदः अन्यतम वृन्देन कुटुम्बीयै सम्भाषितम्। इलाहाबाद उच्च न्यायालयेन सप्ताहवधौ विवरण समर्पणाय राज्य प्रशासनं निर्दिष्टम्। खादी वस्त्राणि खलु भारतीय ऋतुकालार्थं नितान्तम् अनुरूपाणि मन्यन्ते। सूक्ष्म लघु मध्यमोपक्रम मन्त्रिणा कलराज मिश्रेण ऊष्मा निदाग निवारकस्य खादी डेनिम इति वस्त्र प्रकारस्य अनावरणं कृतम्।
राज्यसभा सदस्येन तरुण विजयेन मोदी इनक्रेडिबल इमर्जेंस ऑफ अ स्टार इत्येतत् चीनी भाषिक पुस्तकम् उपराष्ट्रपतये मोहम्मद हामिद अंसारिणे उपायनीकृतम्। महाराष्ट्रस्य भ्रष्टाचार निवारी संस्थया राज्यस्य प्राक्तन उपमुख्यमन्त्रिणः छगन भुजबलस्य मुंबई ठाणे नाशिकवर्तिन्यः सप्तदश सम्पदः अकस्मात् अन्वीक्षितः। भुजबलं विरुध्य गतसप्ताहे पददुरुपयोग प्रवञ्चन विषयकं प्रकरणद्वयं पञ्जीकारितम्। सम्पद्यते अधुना वार्ता संस्करणमेतत्। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात्तावत् मंगलम्।